फतेहपुर हत्याकांड में पीड़ित दोनों परिवार से मिलने के लिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने मृतक सत्य प्रकाश दुबे, पांचों सदस्यों की मौत के घटनास्थल लेहड़ा टोला पर पहुंचकर मृतक परिजनों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव के घर अभयपुरा टोला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले मृतक प्रेमचंद्र यादव की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इसके बाद करीब 40 मिनट तक पीड़ित मृतक प्रेमचंद यादव के परिजनों से बात की, उन्हें हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वर्तमान योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार पक्षपात पूर्व कार्रवाई कर रही है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ न्याय हो, बुलडोजर का दबाव बनाकर न्याय को कुचलना चाहती है। भाजपा सरकार के नेता, विधायक, सभी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में सरकार बदलने के बाद बुलडोजर रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। प्रेम यादव का मरना, उन्हें घर बुलाना, उसके बाद किसी धारदार हथियार से जान ले लेना, उसके बाद आसपास के क्षेत्र पे ये सूचना जाना मिल जाना कि उनकी जान चली गई, लोग गए और उसके बाद ये घटना हुई। मैं मौके पे घटना में पहुंचा हूँ, देखा है मैंने। उस परिवार के रहने का और उस परिवार में जो घर बना हुआ मैं देख करके आया हूँ। वो घर और ये घर जहाँ प्रेम यादव थे दूर था, आखिरकार किन परिस्थितियों में वहाँ जाना पड़ा उन्हें, क्या वजह थी कि सुबह ही सुबह वो मौके पे चले गए। अगर किसी की नियत मंशा ये थी कि उसे हमला करना है, या उसकी नियत मंशा ये होती कि उस पर हमला होगा, तो वो तैयारी से जाता किसी भरोसे के साथ और अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ प्रेम यादव पहुंचे, उसके बाद उनकी जान ले ली गई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मौके पर, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मंडल मत बोलिए क्योंकि दूसरा जिला, बगल का जिला भी घर मानते हैं। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, वो अपने आप को दावा करते हैं कि वो घर है उनका और जनता ने वोट भी दिया उन्हें, लेकिन जीरो टॉलरेंस वाले लोग इस तरह की भेदभाव फैलाएंगे, इस तरह की घटना होने देंगे और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे आप। ये जितनी भी तस्वीरें आई हैं, जो बीजेपी के नेताओं की आई हैं तस्वीरें, मैंने देखी हैं और लोगों ने चर्चा की उन तस्वीरों को देख करके, बीजेपी के लोग घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन्हीं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विकास दुबे उसकी गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर किया था, तो क्या उसके परिवार के लोगों से आपने गले लगाया था, गले मिलने गए थे आप? और याद कीजिए वो जगह कानपुर देहात की, जहां एक पिता के सामने उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जान ले ली बुलडोजर ने आग लगा करके। क्या ये बीजेपी के लोग उनके परिवार के लोगों से गला मिलाए लगे थे जाकर के? और मुझे याद है जब उसका परिवार का बेटा डीएम आवास में धरना दे रहा था ठंड में, उसके पूरे कपड़े उतरवा करके पुलिस ने पीटा था, उसको मारा था।